हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही बोर हो रहा था, इसलिए मैं कहीं घूमने चला आया हूँ मेरे दोस्त के साथ में। और मेरे साथ में टाइम पास के लिए ये लेके आया हूँ। देखिए, अभी तो ख़त्म ही हो जा रहे हैं, बहुत दूर से चलते चलते आ रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, कुछ अलग ही सीन दिखाते हैं आज, और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे जगह में आए हैं, बहुत ही सुनसान जगह में। देखिए, वो है मेरा दोस्त, उधर पैर धो रहा है, थोड़ा सा पानी है वहाँ। तो दोस्तों, काफ़ी सुनसान जगह भी है और बहुत खतरनाक जगह भी है, वैसी जगह में आप लोग आ गए हैं आज। और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम शांत वातावरण, लोग तो कोई नहीं है यहाँ। उधर कुछ बकरियाँ चल रही हैं और यहाँ सुनसान जगह में बस हम लोग दो जन पड़े हुए। देखिए, अगर कुछ हो गया तो कोई जान नहीं पाएगा। दोस्तों, यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ठंडा है, एकदम मज़ा आ जाता है पैर डालने से। यहाँ काफ़ी लोग नहाने भी आते हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं है, थोड़ा सा मौसम अच्छा नहीं है, इसी की वजह से अभी कोई नहीं है। धूप भी नहीं पड़ रही है, बादल छाया हुआ है, तो अभी थोड़ा यहाँ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत ही मस्त वातावरण लग रहा है। यहाँ बकरियों को देखिए, कितने खतरनाक जगह में चर रही है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go. Hello, दोस्तों, तो अभी हम लोग इस गड्ढे से चढ़ रहे हैं ऊपर, और काफी खतरनाक है, गिरने गिरने से बच रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी हम भी हैं, डरते रहे किसी खतरनाक चीजों से। देखिए, काफी ऊपर चढ़ गए हैं, उधर बहुत गड्ढा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और उधर देखिए, कुछ लड़कियां भी टाइम पास करने के लिए आई हुई है, दिख रहा है। उधर देखिए, तो दोस्तों ये एक क्रेशर का जगह है, यहाँ एक क्रेशर है, तो इधर पत्थर फोड़ फोड़ के इतना गड्ढा हो गया। देखिए, बहुत ही गड्ढा है, अभी ऊपर में हम लोग बहुत नीचे है, काफी खूबसूरत जगह है। और उधर थोड़ा सा पानी नीचे है, देखिए वहां का पानी बहुत ठंडा है, नहाने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, हम लोग जो जगह खोज रहे थे वो फाइनली मिल गया है, और यहाँ एक पॉन्ड जैसे है, एकदम ग्रीन पॉन्ड, ग्रीन पॉन्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वाटर बहुत ग्रीन दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग को वो जगह मिल गया है, चलिए आपको भी दिखा देता हूँ। और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, काफी खूबसूरत जगह है। दोस्तों देखिए, पानी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, बहुत लोग यहाँ नहाने आते हैं, बच्चे अधिकतर तो आते हैं, और बहुत ही ऊंचाई ऊंचाई से जंप करते हैं, उन लोगों को डर भी नहीं लगता है, नीचे पत्थर है काट देगा, कोई चिंता नहीं उन लोगों को, अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। तो दोस्तों, इस जगह को हमें ढूंढते ढूंढते लगभग आधा घंटा से ज़्यादा लग गया, और ये क्रेशर का जगह है, और यहाँ पत्थर फोड़ फोड़ कर काफ़ी गड्ढा हो गया, और यहाँ बहुत ही सुंदर जगह में पानी जमा हुआ है, और ये पानी बहुत ही ग्रीन नज़र आता है। तो दोस्तों, यहाँ बच्चे बहुत ही नहाने आते हैं, खतरा तो है अंदर, क्योंकि काफ़ी धारदार पत्थर है अंदर से, और लगता है शायद यहाँ मछली भी डाला गया है, इसलिए बांस का झाड़ियों को रखा गया है यहाँ। तो दोस्तों, आप भी कभी ऐसी जगहों में जाए तो थोड़ा सा सतर्क रहें। तो दोस्तों, अभी नीचे पानी को और नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी काफी उतरना पड़ेगा और हम लोग को चढ़ना भी पड़ेगा ऊपर फिर से। तो चलिए, ऊपर ही ले जाता हूँ आपको, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग का टाइम पास हो रहा है, देखिए बुट झंगरी, बुट झंगरी।
क्या बोलेंगे इसको, ग्रीन बूट। ठोचे ठोचे नहीं पुठाया है जी, मजा नहीं आ रहा है। हाँ तो दोस्तों अभी थोड़ा सा भी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, देखिए समोसा है, आलू चप है, और इधर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक रखे हैं, बैग से निकाले नहीं अभी, और यह है सब्जी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, और कुछ मिलेगा तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो ओके गाइस, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा भूख लगी है और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग समोसा खा रहे हैं, थोड़ा भूख मिटा लेते हैं। चाहिए कभी खिला दूंगा आपको भी, बस मेरे वीडियो को लाइक ठोकते रहिए। तीता भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। हाँ तो दोस्तों हम लोग का समोसा भी खत्म हो गया और हमारा ये भी खत्म हो गया, और अभी शाम होने वाली है और अभी काफी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हमें ठंड भी लग रही है, इसलिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया है, लेकिन इसे हम फेंके नहीं है, इसे किसी बकरी या बैल को खिलाएंगे हम। तो ओके गाइस, आज का ब्लॉग बस यहीं अंत करते हैं, और फिर जल्द ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। We are